हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग अभी ओपीएम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। अब हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट। अब डिफरेंशिएटर सर्किट हमने एक्सप्लेन किया है, इंटीग्रेटर सर्किट एक्सप्लेन किया है। अब मैं उसका एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूँ कि उसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आइए ध्यान से इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट का एप्लीकेशन है वेवफॉर्म सिंथेसिस में। वेवफॉर्म सिंथेसिस का मतलब, हमें कभी साइनसॉइडल वेव दिया है तो उससे हमें ट्रायंगुलर वेव बनाना है, उससे स्क्वायर वेव बनाना है, क्लियर है। तो हमें इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेव शेपिंग सर्किट में हमारा इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट का सबसे मेजर एप्लीकेशन है। जब हमें किसी ट्रायंगुलर वेव से स्क्वायर वेव बनाना पड़ता है तो हम डिफरेंशिएटर लगा देते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर वेव से ट्रायंगुलर वेव चाहिए तो हम इंटीग्रेटर सर्किट लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे बेसिक क्लासेस में, जो फर्स्ट ईयर का बेसिक क्लासेस है, इसमें ये चीज नहीं है कि आपके एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट है वो करता है नॉन साइनसॉइडल सिग्नल, मतलब साइनसॉइडल सिग्नल से आपको स्क्वायर वेव जनरेट करता है। स्क्वायर वेव से फिर हम उसको आपका डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर सर्किट लगा के उसको हम ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर। तो हमारा जो इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वेवफॉर्म सिंथेसिस में। वेवफॉर्म सिंथेसिस में, जैसे कि हमें रेक्टेंगुलर वेव चाहिए, स्क्वायर वेव चाहिए, या आपको इंपल्स सिग्नल चाहिए, समझ में आ रहा कि नहीं, ये सब की रिक्वायरमेंट में हमारा इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट यूज होते हैं। ठीक है, उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से कुछ आपका एट सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, या कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। जब हमें किसी भी फिगर को या तस्वीर को हमें ब्लर्ड करना है तो हम इंटीग्रेटर लगा देते हैं। अगर हमें उसका स्मूथ पॉइंट पकड़ना है, जैसे महात्मा गांधी का कोई फिगर बनाता है तो उनका चश्मा, कुछ उनके नाक का, कुछ मुंह का, उतने पार्ट को बनाता है तो उससे ये शो होने लगता है कि ये महात्मा गांधी है, क्लियर। तो वो उसका शार्प पॉइंट, किसी भी तस्वीर का एक कुछ शार्प पॉइंट होता है, ठीक है, और कुछ स्मूथ पॉइंट होता है। तो जब हमें किसी तस्वीर को या चेहरे को हमें ब्लर्ड करना होता है, किसी इमेज को हमें ब्लर्ड करना होता है, तो हम इंटीग्रेटर सर्किट यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी इमेज को हमें उसके शार्प पॉइंट को केवल करना है, शार्प पॉइंट इसके मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो ओरिजिनल आपकी तस्वीर है और जो आपकी ये फोटो है, तो दोनों के शार्प पॉइंट अगर मैच कर रहे हैं तो हम डिफरेंशिएटर सर्किट यूज करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग सर्किट में भी इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट का मेजर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम उस पर जानने से पहले हम क्या हमारे जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हम बता रहे हैं कि वेवफॉर्म सिंथेसिस में, कि आप कोई एक वेवफॉर्म दिए हैं उससे कैसे दूसरे वेवफॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक एग्जांपल है, देखिए ये आपके पास यहाँ पे एक कोई ओपीएम सर्किट दिया है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का हमने ये सर्किट बना दिया, ठीक है। तो इस ऑपरेशनल सर्किट में ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है, मार्कर दूसरा यूज करते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने एक कैपेसिटर यूज किया। ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज कर लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया, ठीक। तो 1 फैराड का मैंने कैपेसिटर लिया, 1 फैराड का मैंने कैपेसिटर लिया और 1 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। 1 फैराड का मैंने कैपेसिटर लिया, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया और यहां पे इनपुट वोल्टेज दे दिया वी आई, ठीक है, और यहां पे मुझे बी आउटपुट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सर्किट है और इसका जो ये प्लस 15 वोल्ट है यहां पे, ठीक है, एंड माइनस 15 वोल्ट है, माइनस 15 वोल्ट।
तो ये सर्किट आपको दिया है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं इसको हटाई देता हूँ, जनरल लेके चलता हूँ, बाद में इसका यूज मैं बताऊंगा कि ये प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी की एक रेंज होती है, इससे ज्यादा इसका जो आउटपुट वोल्टेज है एक्सीड नहीं कर सकता, प्लस वीसीसी से एंड माइनस वीसीसी से आउटपुट वोल्टेज एक्सीड नहीं कर सकता। तो इनपुट वोल्टेज आपको देखो ये दिया है क्वेश्चन पेपर में, इनपुट वोल्टेज ये दिया है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इनपुट ये टाइम एक्सिस है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पे लिखा है वी आई एंड सफिक्स में टी, टी का मतलब टाइम के साथ इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। ये देखिए ये वेव फॉर्म दिया है, एक एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया है, ये इस तरह से ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया है आपके पास और ये वैल्यू आपके पास वन है और ये वैल्यू टू है और ये वैल्यू थ्री है, ये फोर वैल्यू है, डेट डेट से ये देखिए इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा ये वैल्यू, और ये आपके पास 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसका पीक जो है 10 वोल्ट है ट्रायंगुलर वेव का। मुझे इसका आउटपुट वोल्टेज चाहिए, ठीक है, मुझे इसका आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहले ये सर्किट आप देख के हम आप लोगों को ट्रिक बताएं, पर सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर यूज हुआ है, तो कैपेसिटर यूज हुआ है तो ये डिफरेंशिएटर सर्किट है, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ कैपेसिटर रहता है तो इंटीग्रेटर सर्किट है, ये ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर। तो आइए डिफरेंशिएटर सर्किट में, ये डिफरेंशिएटर सर्किट है तो मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट होगा, ये कैलकुलेशन है, इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये आया है माइनस आर सी ए आएगा डी वी आई बाई डी टी, ये आउटपुट आता है, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएटर सर्किट का आउटपुट आता है, ये जैसा कि आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए आपके पास है R की वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम है, R की वैल्यू कितना है 1 ओम है एंड C की वैल्यू 1 फैराड है, ठीक है, तो आप RC कैलकुलेट करेंगे, RC 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा 1 ही आएगा, और RC को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, तो ये 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है 1 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारा बी आउटपुट आ जाएगा, बी आउटपुट आएगा माइनस, ये हो जाएगा डी वी आई टी और ये क्या होगा डी टी, ये आ गया, ठीक है, ये फाइनल आ गया क्योंकि आरसी की वैल्यू हमने वन है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो अगर इस माइनस वन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड करवाया है, ये माइनस देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वी आउटपुट इक्वल टू माइनस, जो यहाँ पे कंसीडर मैं कर रहा हूं इस तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये आप इस वन अभी माइनस को भूल जाइए, माइनस को बाद में कंसीडर कर लेंगे, अभी ये समझिए इनपुट वोल्टेज का टाइम के साथ में क्या है डिफरेंशिएशन। अब किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट एज स्लोप ऑफ द लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास, अभी मैं समझा रहा हूं अभी क्वेश्चन नहीं, ये देखिए आपके पास ये कोई लाइन है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई लाइन है और ये लाइन है, ये मान लीजिए वाई है और ये क्या है आपका एक्स है, इस लाइन का इक्वेशन मैं कह दिया आपको लिखने के लिए, तो आप इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस लाइन का इक्वेशन आप लिखेंगे y इक्वल टू मान लीजिए 3x है, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये इसको 1 मान लीजिए और ये वैल्यू आपका ये मान लीजिए 3 है, तो इस लाइन का स्लोप आपको पता चल जाएगा, दिस बाय दिस रिप्रेजेंटेड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 3x, अगर डेट डेट बढ़ा दिया जाए तो y इक्वल टू 3x आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा डी वी आई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट एज ए स्लोप ऑफ द लाइन, तो किसी ग्राफ का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट एज ए स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर मुझे इसका dy by dx प्लॉट करना हो, ये देखिए गया ध्यान से, अगर मुझे इसका dy by dx प्लॉट करना हो, ये x है और यहाँ पे मैंने इसका प्लॉट कर रहा हूं dy by dx,
तो इसका प्लॉट करूंगा तो कितना आएगा, ये देखिए 3 आएगा, ये कांस्टेंट 3 आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी भी लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका उस लाइन का स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है उसका डीवाई बाई डीएक्स। उसी तरह से यहां पे देखिए, जब हम डिफरेंशिएटर सर्किट ये है, यहां पे ये इनपुट सिग्नल देंगे आपको सीआरओ से, ये सर्किट हम बनाएंगे, इस सर्किट में इस इनपुट वोल्टेज पे अगर ये सिग्नल हम प्रोवाइड करें तो आउटपुट क्या क्या आएगा वही हमें प्लॉट करना है, थ्योरेटिकली इसको शो करके दिखाना है कि प्लॉटिंग में क्या फिगर आएगा, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इज स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट शो करूं तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं, देखिए इनपुट वोल्टेज का टाइम के साथ क्या है, डिफरेंशिएशन है, अ डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन, अभी मैं बता दिया आपको, ठीक है। अरे भाई अगर इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन मैं कह दिया करने के लिए, तो आप क्या किए, पहले इस ग्राफ का इक्वेशन निकाले, इक्वेशन निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टी या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जो इनपुट वोल्टेज है विथ रेस्पेक्ट टू टी को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लियर। ये माइनस कंसीडर इसलिए कर रहे हैं, माइनस को हम बाद में यूज करेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है इसलिए ये माइनस आया है। अब बस अगर ये माइनस को आप ढक लीजिए तो बेसिकली ये क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस इनपुट सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो पहले इन सभी लाइनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का वो तरीका है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इंटरमीडिएट में जो हम स्लोप निकालते थे इस तरह से निकालते थे, ये लिखते थे y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय क्या लिखते थे x2 माइनस x1, ये लिखते थे। या आपका tan थीटा, आप जानते हैं कि ये tan थीटा से रिप्रेजेंट करते थे हम, और ये क्या होता था ये बताइए, डेल्टा वाई बाई क्या लिखते थे डेल्टा एक्स, जितना वाई में चेंज है डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, एक्स में जो चेंज है, तो ये स्लोप होता है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से हम निकालेंगे दिस बाय दिस। अगर इसका स्लोप निकालना है तो इसकी हाइट देखिए कितना है, 10 है, इसका ये देखिए कितना है, 1 है, तो ये 10 इसका स्लोप आ जाएगा। ऊपर जा रहे हो तो ये इसका स्लोप प्लस 10 आ जाएगा, और इसका स्लोप माइनस 10 आएगा, इसका प्लस 10 आएगा, इसका माइनस 10 आएगा। तो आपने देखिए स्लोप निकाल दिया। अब मुझे यहीं पे आउटपुट प्लॉट करना है इस क्वेश्चन में, तो देखिए मैं इसके जस्ट नीचे इसका आउटपुट प्लॉट करना हूं। आउटपुट इसका प्लॉट करते समय मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आउटपुट जो होता है ये आएगा, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि आउटपुट आएगा माइनस डीवीआई बाई डीटी। तो स्लोप किसी लाइन का निकाल के, ये देखिए पहले इस पॉइंट को मैंने एवरी पॉइंट को इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दिया इस पे एक्सिस पे, ये देखिए ये प्लॉट करके दिखा, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ठीक है। आपने ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया, आप ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इसको शो करना है इसका आउटपुट कैसे प्लॉट होगा, तो ये एक नेगेटिव कंसीडर करना है। तो देखिए जीरो से वन तक इस लाइन का इक्वेशन आएगा 10t, 10t को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 10 आएगा, 10 कांस्टेंट आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये माइनस 10 रहेगा, माइनस 10, तो ये देखिए माइनस 10 मैंने लिख दिया। फिर 1 से 2 तक माइनस 10 है, तो माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, ये देखिए प्लस 10 तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, ये देखिए। तो यही बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास कौन सी वेवफॉर्म थी, आपके पास ट्रायंगुलर थी, अब आपको कौन सी मिल गई है, स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि डिफरेंशिएटर सर्किट का कितना बड़ा एप्लीकेशन है, या आपने ट्रायंगुलर सिग्नल दिया था और आपको स्क्वायर सिग्नल मिल गया। अगर हम स्क्वायर सिग्नल दे के फिर से अगर हम इसको दे तो हमें इंपल्स सिग्नल मिल जाता है, क्या मिलता है, इंपल्स सिग्नल, ठीक है, आगे उसको डिस्कस करूंगा मैं। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे कि हमने क्या किया, इस सिग्नल से ट्रायंगुलर हमने दिया तो हमें क्या मिला, स्क्वायर वेव, देखिए स्क्वायर वेव। हाँ ओबियस सी बात है
कि एक नेगेटिव आ गया। अगर इसको मैं जस्ट इस सिग्नल को रिवर्स कर दूं, सीआरओ में होता है आप जस्ट सिग्नल को रिवर्स कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इधर स्लोप आएगा -10 फिर +10 फिर -10 फिर, तो ये जस्ट ये आपका अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से स्क्वायर वेव स्टार्ट होगी +10 फिर -10 फिर +10 फिर -10, तो इस तरह से स्टार्ट होगी। तो वो हमारे सीआरओ पे इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये नेगेटिव जो आ रहा है ये नेगेटिव हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल देने की वजह से आ रहा है, तो ये नेगेटिव फैक्टर है। इस नेगेटिव को भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे एक फैक्टर और लगा दें, आपका इन्वर्टर सर्किट अगर हम यूज कर दें, इन्वर्टर सर्किट में एक नेगेटिव और आ जाएगा, एक नेगेटिव आने को नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, ये आप मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया। सेम क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेम क्वेश्चन में ये कर दूं, यहां पे मैंने स्क्वायर वेव दे दिया, क्या दे दिया, स्क्वायर वेव दे दिया, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं स्क्वायर वेव दे दूं, ये देखिए यहां पे मैं एक स्क्वायर वेव दे दिया, ये देखिए यहां पे 10 की एक स्क्वायर वेव दे दिया, ठीक है, 10 वोल्ट की मैंने एक स्क्वायर वेव दे दिया। इससे पहले मैंने क्या दिया था, ट्रायंगुलर वेव दिया था, अब इनपुट सिग्नल मैंने स्क्वायर वेव दे दिया, तो वहां पे मैंने बताया था स्लोप है। अब इसका भी देखिए हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ, आउटपुट आया डिफरेंशिएशन तो ये आया आप लोगों को, आउटपुट ही आया है, ये तो आप लोगों को क्लियर ही है, आउटपुट तो यही आएगा, यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। टी हो गया, ये देखिए आपने 1 कह दिया, इसको आपने 2 कह दिया, इसको आपने 3 कह दिया, तो ये देखिए इसको मैं डॉट डॉट करके इस पे दिखा दिया, इसको डॉट डॉट करके इस पे दिखा दिया, तो ये आपका आ गया 1, ये आ गया 2, और ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 1 2 3। आप जानते हैं कि 0 से 1 तक, ये देखिए यहां से हमने चला, यहां से यहां तो एक कांस्टेंट था 0 था, लेकिन 0 पे एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन डीटी टाइम तक एक इंपल्स आ रही है, कितने की, 10 की, ये देखिए ऊपर जा रहे हैं, ये 10 की एम्पलीट्यूड की एक इंपल्स आ रही है, तो इसका प्लॉटिंग करेंगे तो एक इंपल्स आएगा 10 का, ये देखिए एक इंपल्स आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से 0 से 1 तक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिए 1 पे, ये देखिए आप इधर से चलते हुए 1 की तरफ गए, ये लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर कितना है, 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 ये और +10 कितना हो जाएगा, 20, 20 की एक नीचे की तरफ इंपल्स आएगी, ठीक है। फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक एक इंपल्स आएगी, क्योंकि आप जानते हैं ये होता है dv/dt, dt क्या है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम पे, ये देखिए dt की वैल्यू t→0, 0 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, इसका करेगा इनफाइनाइट को, लेकिन इनफाइनाइट शो नहीं करते हैं, तो हम उसका एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं, एरिया, तो ये आपका एरिया लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है आपका, एक इससे रिप्रेजेंट करेंगे -20 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली यहां से यहां तक फिर 0 रहेगा, ये देखिए यहां तक 0 रहेगा, फिर इसके बाद ऊपर है आपका 20 तक एक इंपल्स जाएगी, 20 तक एक इंपल्स जाएगी, फिर इसके बाद इधर तक एक इंपल्स 10 की आएगी, -20 की आएगी। तो ये देखिए हमें मान लीजिए स्क्वायर वेव दिया है, स्क्वायर वेव से हम इंपल्स सिग्नल बना लिए, इंपल्स सिग्नल को मैं आपको बताऊंगा किसी लेक्चर में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा टी, टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है एम्पलीट्यूड इसका, एंड अदरवाइज टी नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी 0 वैल्यू होती है, और एक और कंडीशन होती है डेल्टा टी की, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एंड डी टाउ की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब इसका एरिया कितना होता है, 1, क्योंकि इनफाइनाइट को तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, ये देखिए एरो का मतलब इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो उसका हम एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो लिखे हैं ये 20 क्या है, एरिया है, क्लियर, तो ये इसके 20 क्या है, एरिया, तो ये डेल्टा टी को रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये देखिए एक इंपल्स आएगी बहुत 10 की,
टी टेंस टू जीरो पे इनफाइनाइट को टेंड करेगा, लेकिन हम इनफाइनाइट तो एम्पलीट्यूड नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका एरिया लिख रहे हैं जो टेन, ठीक है। तो ये डेल्टा टी के रिप्रेजेंटेशन है। आप ये समझ गए होंगे कि देखिए यहां से आपको क्या है, स्क्वायर वेव दिए तो इससे क्या बन गया, इम्पल्स सिग्नल बन गया। तो हमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, आपका डिफरेंशिएटर सर्किट। डिफरेंशिएटर सर्किट से हम क्या बनाए, ट्रायंगुलर वेव से आप स्क्वायर वेव बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर वेव से आप इंपल्स सिग्नल बना सकते हैं, आप स्क्वायर आप डिफरेंशिएटर सर्किट प्रोवाइड करिए, स्क्वायर वेव दीजिए, फिर इसके बाद आपको इंपल्स सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर हम इसी में और डिस्कस करें, हमने वी आई की वैल्यू अगर ये दे दिया, साइनसॉइडल सिग्नल दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया वी एम और ये दे दिया साइन ओमेगा एम टी दे दिया, ठीक है, साइनसॉइडल सिग्नल दे दिया। तो आप ओबियस सी बात है साइनसॉइडल, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वी एम तो कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस और ये ओमेगा टी dt। तो अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा m। तो ये देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करके आगे बता रहा हूं, यहां से देखो ये अगर मेरे पास साइनसॉइडल सिग्नल है, साइनसॉइडल सिग्नल है, साइनसॉइडल सिग्नल है, vit दिया है, vit दिया है आपके पास vm और क्या दिया है sin ओमेगा m t, ये दिया है इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल दिया है मुझे, इसका डिफरेंशिएशन का जो आउटपुट आया वो आया माइनस और ये आया VIT, क्या आया DVIT by क्या आया DT आया। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास माइनस तो रहेगा ही, VM भी रहेगा, T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये ओमेगा M आ जाएगा, ठीक है। साइन का क्या होता है cos, cos ओमेगा M और ये T आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्लॉट कर लेंगे, आप लोग देखते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव किस वजह से आ रहा है, इसके वजह से। तो यहां पे मान लीजिए आपने साइनसॉइडल सिग्नल लिया, ये देखिए यहां पे आपने साइनसॉइडल सिग्नल, ये मान लीजिए आपने कोई साइनसॉइडल सिग्नल लिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, वी आई टी ये गिवन था, आपको आउटपुट प्लॉट करना है, आउटपुट प्लॉट करना है तो आउटपुट प्लॉटिंग में आपको देखिए सेम टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है तो टाइम पीरियड सब सेम रहेंगे, तो हमें आउटपुट प्लॉट करना है, आउटपुट प्लॉट करना है। तो आप देखिए एक इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां नेगेटिव आ रहा है। तो आप जानते हैं कि आप ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे इसका कॉस सिग्नल बनाना होता, कॉस सिग्नल बनाना होता तो मैं ऐसे स्टार्ट करता, ऐसे स्टार्ट करता, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कॉस सिग्नल बनाना होता तो मैं ऐसे स्टार्ट करता, क्लियर, ऐसे स्टार्ट करता। ये देखिए पाई बाय टू पे मैक्सिमम दे रहा है, ये जीरो देगा, पाई बाय टू पे ये क्या देगा मैक्सिमम देगा, ये क्या देगा जीरो देगा। तो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा, देखो यहां से ये नेगेटिव, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्यों ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जीरो पे cos 0, t इक्वल टू 0 पे ये cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये देखिए क्या आ रहा है vm और ओमेगा m आ रहा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस vm क्या हो जाएगी ओमेगा m, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये देखिए प्लॉटिंग में है, सिंपल आपको कैसे करते हैं आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट का कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है। अगर देखिए इसी पे आपको मैं कोई और वेव फॉर्म दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से ट्रायंगुलर केवल ये दे दिया, ऐसी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे दिया, अभी तो मैंने केवल हाफ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया था, लोअर पोर्शन कट कर दिया था। अब इसको भी अगर प्लॉट करना है तो बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर ये देखिए तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा, फिर इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो प्लॉटिंग में बस इसका आपने स्लोप निकाला, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, स्लोप के साथ नेगेटिव लगाते जाइए क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया कि डिफरेंशिएटर सर्किट का क्या एप्लीकेशन, ठीक है।